इसी हिसाब आपका देखिए चार चार लोग, एक एक लोगों को दो दो घंटा दिया, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम। और विश्वनाथ मंदिर 11 दिन बंद नहीं हुआ, दरबार द्वार खुले रहे, अखंड जप हुआ। ये श्रीधर भट्ट जी है, वो इतना दिन से आकर के कभी करवट में नहीं बदली की थी, थूकने में खून गिरता था, मलमूत्र हम करा देते, वो एक दिन सवेरे बोले मैं गंगा जी नहाने जाऊंगा। मैंने बोला मैं गंगा जल लाता हूँ यहाँ नीचे नीचे। गंगा जल लेके आए, नहाए, फिर सरप्राइज तो अपने बैठ के अपना दाढ़ी बनाया वरंडे में शिवानंद भवन में। फिर बोले इट्स पॉसिबल आई कैन गेट टुडे न्यूज पेपर। ग्यारह दिन हो चुके आश्रम में एक बड़ी उम्र की माता जी रहती थी और शिवाजी गणेश्वर के गांव की थी, पक्की ब्राह्मणी, नाम था अखिलानंद माता जी। वो तो गणेश कुटीर का जो नाक है ना जिसमें स्वामी प्रेमानंद जी दफ्तर चला देता, आई डोंट नो गणेश कुटीर का नाक है, वहां उसमें रहती थी। वो मेरे को बुलाए, बोलती थी कन्ना कन्ना सुनो, बोले श्रीधर में लाइफ वापस आ गई, हाँ। तो मर गया था, फिर से नया पैदा हुआ है। बोला हाँ, अभी ये अपनी बीबी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका पति तो मर गया था, ये तो जिंदा है, तो अभी उसकी बीबी को यहाँ बुलाओ, सिद्धांत कृष्णानंद को बोलो इसका फिर से शादी कराओ, तब भेजो। स्वामी जी ने बोला ठीक है ऑल राइट, लेकिन स्टे फॉर सम टाइम। इसके बाद में हमने कोटा गए थे, जयपुर गए थे, कोटा ने डोरियो साड़ी खिलाई, जयपुर का बंदेज खिलाता है, मैंने डोरियो साड़ी लिया बंदेज खिलाया। स्वामी बोले भाई स्वामी जी बनारस में सिल्क तो मिलता है, ये साड़ियां थोड़ी किसके लिए, श्रीधर भट्ट जी का पत्नी के लिए। वी हैड ए वेरी रेगुलर ऑफिशियल वेरी ट्रेडिशनल टमिलियन कल्याण, उनको बुलाए, उनके बच्चे बच्चे आए, उनको भी रखा 15 दिन। बाद में पिता कैसे पुत्री को विदाई करते, बर्तन है पता नहीं क्या क्या सामान देकर के, मुझे कहा उनके मठ तक पहुंचा। हमारा दुर्भाग्य है, हम जब गुरुदेव के बारे में सोचते हैं ऐसे 6 फुट 2 इंच दुबला पतला, वो नहीं है। सुनाणोरणीयान महतो मयीयान, आज हमने उपनिषद कथा में पढ़ा तदे जति तन्य जति तदूरे तद्वंती, यहां है वहां है पास में दूर में, अरे कठोपनिषद कहता है वो शयाना है सोया हुआ है, वहां से ना वो बैठा हुआ है। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो ही अपने आप से अपने आप करा रहे हैं। गुरुवाणी में कहा करत करावत आपे आप, वो ही करत है वो ही करावत है। गीता कहती है कर्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर, इसलिए उपनिषद ने कहा, गीता ने कहा, उपनिषद ने कहा, संतों ने कहा, इतना भी रज भी अहंकार नहीं करना। हमारे शास्त्रों में कहते हैं इनको समाधि हो जाए, तो कैसी समाधि है, ले सविकल्प समाधि, ठीक है मान लो। अभी उनको निर्विकल्प समाधि थोड़ा ठीक है, अभी कैसी है, अभी सभी जो समाधि है वो समाधि ऑल राइट, अभी थोड़ा अभी निर्विस हो निर्विस समाधि। निर्विस समाधि बोलने से उनके
मन बुद्धि चित्त अहंकार में कोई भी देव नहीं है। जैसे कि हमने उदाहरण करते हैं, हवा नहीं चलने पर दीपक कैसे खड़ा होता है, कैसे खड़ा दीपक। एक दिन हम गुरु महाराज के गुजरात में मालसर में थे, खिड़की में खड़े वहां पर नर्मदा जी, इतना सुंदर शांत पानी था, क्योंकि तो दिसंबर का महीना था, डॉक्टर आदरी साहब के जन्मदिन के बाद 21-22 दिसंबर, इतना शांत पानी, पूरा दूर तक शांत। मेरे को बड़े स्वामी जी पूछे कैसा दिखता है, मैंने कहा कोई पूरा लंबा चौड़ा एक कांच बिछा दिखता है। यस, वो ऐसा जब मन हो जाएगा तब परमात्मा के प्रतिबिंब में से परमात्मा प्रकट होते हैं। ये हमने मोबाइल सामने रखा है, अब इधर करता हूं उधर करता हूं, विकी को बोला भाई हमको स्टैंड ला के दे, एक डंगो ला के दे ताकि बार बार इसमें से चला ना जाए। किंतु जब स्थिर हो जाए, ऐसा बिल्कुल हवा नहीं है ज्योति कैसे स्थिर है, बिल्कुल हवा नहीं है जल कैसा स्थिर है, ऐसे ही मन पूरा स्थिर, मन को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे मैं तू तेरा मेरा ये वह पुरुष स्त्री कुछ भी नहीं, वो मनोतीत, वो इंद्रियातीत, वो कालातीत हो जाता है। मगर कैसे होगा, आज के कठोपनिषद में ये आया, अपनी इच्छा से नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से हमको दिखाना चाहे तो होता है, हम तो अपना प्रयत्न करते ही रहना चाहिए उसको दिखने के लिए, वो हमको इतना प्रयत्न करना है कि एक बार उनके मन में आ जाए बस अब मुझे इसके सामने खड़ा होना है, तभी होगी, हमारे बुलाने से नहीं आ जाएंगे। हमने कल परसों के रिकॉर्डिंग में कहा ये स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हैं, भाई नीचे मत बैठो ऊपर बैठो घड़ी में बैठो इधर बैठो, वो हमने कहा एक दिन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बोल रहे थे, किसी ने मेरे को फोन किया, हाय स्वामी जी आई एम पिंकी, बोले यस मैडम व्हाट वुड आई कैन टू डू, स्वामी जी आई वुड लाइक टू नो यू आर श्योर दैट आई कैन सी गॉड, यस पिंकी मैडम यू कैन सी गॉड, मे आई नो व्हाट यू आर डूइंग, स्वामी जी आई एम रेडी, माय डैडी इज रेडी, माय मम्मा इज गेटिंग रेडी टू गो टू बायोस्कोप, हम लोग सिनेमा जा रहे हैं ना मम्मी देर कर रही, आई हैव ओनली थ्रू टू आस्क व्हेदर आई कैन सी गॉड। स्वामी जी बोले नाउ इट्स बेटर यू गो एंड सी सिनेमा देन वी विल थिंक ऑफ इट, सिनेमा जाने के लिए तैयार है और भगवान के बारे में पूछते हैं। कुछ बात ब्रह्मलीन सिंह स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बोलते हैं, कार की पिछली सीट में लंबा टांग करके आकर के सीधे कार से उतर करके महात्मा पूछे, महाराज जी आपने ईश्वर देखा, मैं देख सकता हूं क्या, अरे ब्रह्मनिष्ठ हो क्षत्रिय प्राणी हो, हमारे गुरु महाराजों को हमने देखा है उनमें अहंकार इतना भी नहीं है, एक रत्ती मात्र क्या एक अणु मात्र भी अहंकार नहीं है ना, मैंने तो मेरा मंत्र दीक्षा तो गुरु महाराज की हुई 1965 के आराधना के दिन, उसके बाद में हमने नौकरी वोकरी छोड़ करके उधर गए तो गड़े महाराज जी नहीं थे, कृष्णा से बोले गो बैक डॉक्टर अदौरी के पास जाओ वहां रहो, मैंने वहां नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल में, मैं आई वॉन्ट टू बी हियर देन अंटिल योर गुरु कम डोंट कम हियर, तुमने रामकृष्ण आश्रम जगा दी उधर क्या बोलते हैं निश्चित ब्रह्मचारी बन के रहा, अभी बताओ गया स्वामी जी विदेश से आ गए हैं और इज ऑलरेडी लैंडेड इन नगर, वहां से ध्रांगध्रा जा रहे हैं राजकोट होकर के जाना पड़ेगा उनको, ये समाचार मुझे मिलने से मैंने प्राणलाल भाई को बोल दिया मैं स्वामी जी का दर्शन करना चाहता हूँ, ठीक है अराउंड 1 o'clock विल बी पासिंग थ्रू ओ ब्रांडन रोड में से उधर खड़े हो जाओ ना रस्ते में, ठीक बात है ब्रह्मचारी है सफेद कर्ता सफेद कुर्ता सफेद इधर, वो स्वामी जी को बताया मैं आने वाला हूँ, उनसे मंत्र दीक्षा लिया है, स्वामी जी नीचे कपड़ा पहना है ऊपर नहीं है, वो डामर की इतनी जलती हुई सड़क है मैं दरवाजा खोलूं उसके पहले वो दूसरा तरफ से दरवाजा खोल के दंडवत करके मुझको सड़क में प्रणाम कर दिया, मैं स्थिर ठोक रहा हूं अभी
कभी भी उस मेरे सिर में पाप चढ़ा कैसे तुम तो मेरा गुरु मुझे दंड मत करता है, कौन करेगा। मैंने कहा स्वामी जी आप गाड़ी में बैठे आपका पाप, मेरे को हाथ जोड़ करके स्थापक आय धर्म से सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय दे नमः। वो ये प्री प्रोबेशनर ब्रह्मचारी रामकृष्ण मिशन में उसमें और भगवान रामकृष्ण देख रहे, प्रमुख स्वामी जी का दर्शन करो तो बोलते थे श्री जी महाराज का दर्शन करो। ये कहां ये करुणा ये दिव्यता ये आंधर शुद्धि ये चैतन्य कहां से आएगा, ये अनेक जन्मों के तप के बाद में आता है। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जब महाराज जी का अवतरण हुआ, महाराज जी इस पृथ्वी पर आए, उस समय हम लोग का भी यहां पर अवतार हुआ, हम भी इस पृथ्वी पर आए, फिर हमने उनको देखा नहीं देखा छोड़ दो, वो जिस पृथ्वी पर थे हम भी उसी पृथ्वी पर थे। गंगा जी को आप गंगोत्री में स्पर्श करो, गंगा जी को आप गंगा सागर में स्पर्श करो, गंगा जी होती है। इसलिए पृथ्वी पर गुरु महाराज जहां भी रहे उस पृथ्वी को हमने स्पर्श किया, बस गुरु महाराज के चरणों का स्पर्श है, हमने गुरु महाराज को देखा है, उनके शरीर का स्पर्श किया है, उनकी वाणी को सुना है, उनकी कृपा के हम भाजन हुए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए आज ये कोरोना चक्र की वजह से बहुत कोशिश किया करें ना करें, और फिर सोच लिया कि चलो शाम को फंक्शन बड़ा मत करो, कम से कम पादुका भोजन तो कर लो, पादुका भोजन में जो आते आएंगे और जिनको भागे वो भी आ जाएंगे, तो बड़ा ढोल नहीं बजाएंगे, जो आएंगे सबका स्वागत है। सोशल डिस्टेंस रखो, ये थोड़ा ऐसा करो, मास्क भी पहन लो और पूजा वूजा करो, तो बहुत सबका सभी को अभिनंदन। ये तो इधर पढ़ा लिखा भाई, आप पढ़ा लिखा भी खड़े हो जाओ, तो जाओ इधर से उनका मतलब जो पैरा भी दिन थे मैंने आदिग्रह ने पेरा, ये कल आम्स्टरडाम जा रहा है अगला पीएचडी से, ए कंजूस, ए कंजूस आशीर्वाद आपका, तरती हाइट ना ऊंचो छे, ए हाइट ना ऊंचो तुम्हारा दिखरा जे को छे। ओम अभी प्रार्थना करते हैं, परमात्मा सभी का मंगल करो, सभी का सुख करो, सभी का कल्याण करो। मेरे सामने अभी एक शिशु पुकार रहा है, स्वामी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं अभी गर्भ में हूं, मैं गर्भ से बाहर आना चाहता हूं और मेरा स्वास्थ्य सुखद रहे, मेरा आयुष्य दीर्घ रहे और मैं बहुत पढ़ लिख करके मेरे माता मेरे पिता मेरी नानी मेरे नाना मेरी दादी मेरे दादा और भले ही मेरा अमेरिका में जन्म हुआ मगर मैं भारतवर्ष के नाम यश का वेदों की परंपरा का मंगल करूं। गर्भस्थ शिशु है हमारी बहुत प्यारी बेटी है अमी, तो उसके गर्भ में है तो जॉन, आई बिलीव जॉन इज करेक्ट, जॉन एंड अमी जो गर्भस्थ शिशु है उनके माँ के सुख प्रसन्न है। हाँ सुशील, तो सुशील है वो कहते हैं मेरा उनका माता का सुख प्रसव हो, तो प्रसव हो तो किसी को पता भी ना चले ऐसे कहते हैं। तो स्वामी जी सब्जी लेने गए थे मॉल में, गुड्डू लेके आ गए, हाँ बस ऐसे ही आनंद पूर्वक प्रसूति हो और नाम यश कीर्ति को प्राप्त हो। हम सभी का मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी जब से पूजा प्रारंभ हुई है हमारी मिनन बहन बराबर हमारे साथ लगी हुई है, रात में 12 बजे, व्हाट इज योर टाइम मिनन बहन नाउ, 1 o'clock 1:30 ओ कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा आपके लिए देर, बोले गुरु महाराज की पादुका पूजन के लिए कोई देर नहीं, कभी भी रात में बैठ सकते हैं। आपको भी अभिनंदन, आपके पूरा पूजा लगाया है, पूरा थाल लगाया है, दुपहर भी रखा है, भोजन बीजन सब, आई कैन सी एवरीथिंग इज देयर, बहुत बढ़िया, मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो,
देखिए मेरे को थाली दिखा रही है, ओ जय हो जय हो, धीरे धीरे घुमाओ, एक एक धीरे धीरे घुमाओ, वो अवाकाडो के बीच में अंगूर रखा है, फिर बाहर में ब्लैक ये ब्लैक बेरीज है, और उसके बाद में अभी क्या क्या है, ओहो क्या बहुत सारा कुछ खाना है, हाँ वो पाइन एप्पल भी है, क्या क्या भी है, हाँ बहुत अच्छा। अभी हमारे यहाँ क्या है बोल देते हैं, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ श्रीखंड है और मसालेदार पूरी है और परवल का सब्जी है, गुजराती दाल है, चावल है, और मिक्स भजिया है, और उसको छोड़ के तो यहाँ भोग लगाए वो तो है। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से हमारी भूमा माता जी है बैंगलोर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सुरेंद्र वासुदेवा जी यमुनानगर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा अंजनी नंदन शरण दिल्ली में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तीन परिवारों के परस्पर प्रेम, परस्पर सद्भाव, परस्पर प्रेम, उत्कर्ष, उन्नति, अभ्युदय, गड़बड़े तो मन मिटा, अच्छा हो जाए। ये अमन मेहंदी रथा चंडीगढ़ में, दर्शन माता जी का अपना परिवार, उनकी बेटी उमा महेश का परिवार, और हमारे यहाँ पर हसमुख भाई रामदेव परिवार, तमाम के लिए विशेष प्रार्थना। और तमाम डॉक्टर लोग जो हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, पृथ्वी के सातों भूखंड पर जहाँ जहाँ भी लोगों को कोरोना नहीं हो और ना हो, हे भगवान करुणा की वर्षा करो, अभी कोरोना को बंद करो, लोगों को सद्बुद्धि दो, ये बिना मास्क पहन के बाहर निकल, अरे घर से बाहर निकलना ही क्यों, जरूर है तो जाओ नहीं तो मत जाओ, बहुत जरूरी बात है। अपने आप को नहीं संभालते हो तो आपके साथ में 10 लोगों को तकलीफ पैदा करते हो, इसलिए थोड़ा आत्मसंयम रखो, ये बहुत जरूरी बात है। और जिन लोगों को कोरोना है वो पॉजिटिव में से नेगेटिव रिपोर्ट हो जाए, और जिनके मृत्यु हुए उनको आत्मशांति सरकार। अभी एक बड़ा दुखद विषय कल प्राप्त हुआ है, राजकोट में पिछला 15 दिन में 500 लोगों की मौत हो गई, मगर एक और भी बात है कि लैब जो लेबोरेटरीज है, प्राइवेट लेबोरेटरीज, वो कह रही है आपको लैब में आने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट का सैंपल देने की जरूरत नहीं है, अब आपका नाम बताओ, फोन नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, आपको जैसा चाहिए रिपोर्ट हम लिख करके भेज देंगे। व्हाट ए शेमफुल थिंग। ये लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ये प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, वो एक एक स्कूटर में 10-12 स्कूटर मिला करके ऐसे ऐसे इलू करके बैठते, कोई स्मोक कर रहा है तो कॉफी पी रहा है, जहां बैठे फिर पान के पिचकारी मारे, इनकी वजह से तो दुख हो रहा है। हे ईश्वर सभी का मंगल कर, सभी का सद्बुद्धि दे, सभी का कल्याण दे, गुरु महाराज आपकी कृपा सभी का मंगल करे, सभी का सभी का कल्याण करे। ओम आदो ब्रह्मा मध्ये विष्णु अन्ते देव सदाशिव मूर्ति त्रय स्वरूपिण्यै दत्तात्रेय नमोस्तुते, दत्तगुरु जय दत्तगुरु, दत्तगुरु अवधूत गुरु, बोलो दत्तगुरु जय दत्तगुरु, दत्तगुरु जय दत्तगुरु, दत्तगुरु अवधूत गुरु, दत्तगुरु जय दत्तगुरु, दत्तगुरु अवधूत गुरु, दत्तात्रेय
गुरु गुरु जपना और सब सपना गुरु गुरु जपना और सब सपना ओम गुरु 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 शिवानंद सद्गुरु ओम गुरु ओम गुरु शिवानंद Yeah.